तो सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है, ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवीरों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन दो शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टिकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। ऐसा बंगाल जहां आस्था, अध्यात्म और उद्यम सबका सम्मान होगा। ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। भाइयों और बहनों, आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार
किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव गांव में टीएमसी के नेताओं की शानों शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। गरीब को सुविधा मिले, इन प्रयासों को कैसे यहां रोका जाता है, इसका एक और उदाहरण मैं आज बंगाल की धरती पर आपको देता हूं। देश के गांवों में हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। प्रयास यह है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी बेटियों को पानी लाने में अपना समय और अपना श्रम न लगाना पड़े। प्रयास यह है कि हमारे बच्चों को प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में, आप चौंक जाएंगे इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है, 1.5-2 करोड़ ग्रामीण घरों, और उसमें से सिर्फ, देश भी आज सुनेगा तो चौंक जाएगा, 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों में ही नल से जल की सुविधा है। अब बताइए क्या करके रख दिया था उन्होंने। आज देश में अभियान चल पड़ने के बाद अब तक इस अभियान के तहत लगभग देश में 3.6 करोड़ घरों को। तो आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल के हुगली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सभी को संबोधित कर रहे थे, जनता को संबोधित करते नजर आए थे। चुनावी रैली थी ये और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विकास देखने को मिलेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हम आपके